भगवान जब अयोध्या से चले थे तो पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण, उस समय भी वर्णन आता है कि हरस चले, प्रसन्न होके चले थे। लेकिन बीच में जब आए अयोध्या तो हर्ष लेके आए, लेकिन अयोध्या पहुंचे तो कौशल्या जी बोली रो, तो रोए। इसके बाद जब महात्मा मिल गए तो फिर हर्ष, क्यों भाई प्रमाण है नहीं, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले, इसका मतलब है अयोध्या से चले अवध पुरुष तो हर्षित होकर के चले। क्यों? मैं जिसके लिए आया था आज वो लक्ष्य मेरा पूरा होगा। माध्यम महात्मा विश्वामित्र बन गए, माध्यम कौन बन गए? विश्वामित्र जी महाराज। इसलिए प्रसन्नता आ गई। तो विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न होकर के चले और राम जी विश्वामित्र जी को पाके प्रसन्न होके चले, और विश्वामित्र जी राम को पाके प्रसन्न होके चले। लेकिन बीच में आए तो प्रसन्नता गायब हो गई। ताड़का आई तब नहीं हुई प्रसन्नता गायब, मारी स्वभाव आए तब प्रसन्नता गायब नहीं हुई, क्योंकि भगवान डरते तो रही हैं राक्षसों से। लेकिन प्रसन्नता उस समय गायब हो गई जब एक ऋषि पत्नी के ऊपर पैर रख दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, शिला साप संताप विगत भई तुलसी पर सत पाऊं, दई सुगति सोनहेरी हरस ही है छुअत चरण पछताऊं, चरण छुए पछताऊं, चरण छुए पछताऊं। चरण से मैंने छू लिया है, हाथ से नहीं छुआ। ऋषि पत्नी को किससे छुआ? चरण से, इसलिए पश्चाताप। देखो हर्ष लेके आए थे लेकिन ताड़का मिली तो हर्ष गायब नहीं हुआ, मारी स्वभाव आया हर्ष गायब नहीं हुआ। लेकिन अहिल्या के ऊपर पैर रखा तो फिर पश्चाताप आ गया। पश्चाताप का मतलब है हर्ष चला गया। कारण क्या है? कारण प्यारे यही है कि जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियां आ जाएं सामने, लेकिन वो चुनौतियां हर्ष गायब नहीं कर सकती हैं आपका। चाहे जितनी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, लेकिन आपकी प्रसन्नता को वो चुनौतियां नहीं छीन सकती हैं। लेकिन जिस दिन तुम को ये महसूस हो जाए कि मैंने अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को, अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के लिए मर्यादा को दूर किया है, अपने व्यवहार से मर्यादा हमारे जीवन से चली गई है, ये अनुभव हो जाएगा, याद रखना उसी दिन आपके मन में ये गिलानी आ जाएगी कि ये गलत हुआ, मर्यादा चली जाए। और भगवान को यह एहसास हो गया कि हमारे वंश में मर्यादा यह है कि ऋषियों के चरण छुए जाते हैं, लेकिन आज मैंने ऋषि पत्नी के ऊपर चरण रख दिया है, मर्यादा नष्ट हुई है, इसलिए प्रसन्नता चली गई। चुनौतियां आईं, ताड़का आदि मारी स्वभाव, उनसे नहीं डरे, लेकिन अहिल्या के ऊपर चरण रख दिया तो रोने लगे राम और पछताते रहे कि ये मैंने गलत किया है। तब तक महसूस हुआ कि गुरुदेव ने कहा था तो मैंने रख दिया, अपनी इच्छा से थोड़ी रखा। गुरुजी ने कहा था, गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो गुरुदेव ने कहा इसलिए रख दिया मैंने चरण। तो फिर बाद में सोचने लगे भगवान राम कि गुरुजी से ही पूछ लें कि आपने ऐसा विवश क्यों किया मुझे। तो गुरुजी से पूछा तो कहा उद्धार के लिए राम। तो भगवान ने कहा उद्धार के तो और भी तरीके थे, क्यों भैया ये जरूरी है कि भाई भगवान के पास एक ही तरीका हो उद्धार का कि पैर रखें तो उद्धार हो, भगवान हाथ रख दें तो उद्धार हो जाए,
दृष्टि से देख दें तो उद्धार हो जाए, बोलो भैया, वाणी से दो शब्द बोल दें तो उद्धार हो जाए। कई प्रकार के तरीके हैं उद्धार के, तो उद्धार के लिए तो तरीके बहुत हैं और अपनाए भी गए, लेकिन ये चरण रखवा दिया गया। विश्वामित्र जी बोले ये चरण बाद में रखवाया, जब मैंने देख लिया कि उद्धार के जितने तरीके आपके पास हैं उन वो सफल नहीं हो रहे, तब कहा कि ये और तरीका है एक। कहे कैसे? बोले आप चल के आए। हाँ, तो चल के आए आप और आपने देखा था। हाँ, तो देखा आपने, दृष्टि गई लेकिन पत्थर की बनी रही, न हिली न डुली न बोली, पत्थर की ही बनी रही। बोलो बनी रही पत्थर की कि नहीं? भगवान ने देखा। अच्छा, और विश्वामित्र जी बोले फिर पूछा आपने, वाणी से पूछा ये कौन है, तो वाणी से पूछा फिर भी पत्थर की बनी रही, देखते रहे आप फिर भी पत्थर की रही, पास में पहुंच गए फिर भी पत्थर की रही। और सुनो राम, तब हमने सोचा कि चरण रखवाएं शायद, लेकिन चरण रखने पर भी वो पत्थर की बनी रही। जब चरण रज डाल दी तब वो चैतन्य अवस्था में हुई, बोलो, तब चैतन्यता आई जब रज डाल दी। तो राम जी ने कहा कि इतना सब प्रयोग होता रहा गुरु जी, इसमें चैतन्यता क्यों नहीं आई? कह राम तुम सब जानते हो लेकिन फिर भी पूछ रहे हो, तो मैं कह रहा हूं, चरण रज से इसका उद्धार हुआ। आप चरण रखना नहीं चाहते थे लेकिन चरण रज से ही इसका उद्धार हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि अहिल्या का पतन भी रज से ही हुआ था, तो रज से पतन हुआ तो उद्धार रज से, मतलब पतन रज से उद्धार रज से। बोले नहीं, रज रज में अंतर है, अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अहिल्या का उद्धार अब राम रज से हुआ है। राम रज डाल दी गई तो उद्धार हो गया। राम उद्धार के लिए मैंने विवश किया आपको कि आप चरण रज डाल दें। भगवान राम ने कहा लेकिन पश्चाताप मुझे हो रहा है, का इसके लिए गंगा स्नान कर लो। क्या कर लो? गंगा स्नान। एक बात आपको बताएं, अन्यथा मत लेना, कोई डॉक्टर मेरा शिष्य हो अब एक ऐसी बीमारी हमें हो जाए कि उसे ऑपरेशन करना पड़े मेरा, तो वो औजार लेके आएगा कि नहीं आएगा, मेरे ऊपर चलाएगा कि नहीं चलाएगा? अब वो सोचे ये गुरु हैं और हम चेले, हम तो नहीं करेंगे ऐसा, तो मरे गुरु फिर भाई, क्यों भाई फिर गुरु मरे और क्या है, या तो उपचार होना चाहिए, क्यों भाई, तभी गुरु स्वस्थ होंगे क्योंकि बीमारी आई। हाँ, इसके बाद जब ऑपरेशन हो जाएगा, गुरु होश में आएगा, तो वो डॉक्टर अपना माथा चरणों में रख, क्षमा करना क्योंकि बीमारी थी इसलिए मजबूरी में औजार चलाना पड़ा है, मजबूरी में औजारों का प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो कैसे। तो हम क्या कहेंगे, बेटे तुमने मेरे प्राण बचा लिए, पूरी तपस्या में तुम देता हूं, पूरी तपस्या में तुम्हें देता हूं, ये तो नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे शरीर पर औजार चलाए, मैं FIR करवा रहा हूं तुम्हारी, मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्यों भाई, ये भी तो कह सकता था मैं कि FIR तुम्हारी करवाता हूं दर्ज, तुमने मेरे शरीर पर ये क्यों चलाए औजार। सावधान, ध्यान से मेरी सुन बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरण रखवाना अनिवार्य था, चरण रज दिलाना भी अनिवार्य था, तभी अहिल्या का उद्धार हुआ है, बिना चरण रज के नहीं, क्योंकि काम रज से पतन हुआ था, राम रज ही उद्धार का विकल्प थी, इसलिए मैंने राम रज दिलवाई। अब ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ हुई है, ये सब मर्यादा के विपरीत हुआ है राम, तो तुमने तो कल्याण किया है, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा की दृष्टि से अगर तुम एहसास कर रहे हो तो गंगा स्नान करो। गंगा स्नान करने से जो मेरी प्रसन्नता है वो वापस आएगी क्या? गंगा स्नान करने से प्रसन्नता क्या वापस लौटेगी?
विश्वामित्र जी ने कहा ये तो भविष्य बताएगा, पहले करो तो स्नान। अब ये हम क्या बताएं, लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ये तो हम प्रयोग बता रहे हैं कि स्नान करो, स्नान करो तो शायद प्रसन्नता लौट आएगी। क्यों नहीं लौटेगी प्रसन्नता, है प्रसन्नता लौटेगी। भगवान ने कहा ठीक, गंगा की महिमा को बढ़ाया है।